हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षण हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हारमोनियम ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दूसरा अलंकार, अलंकार अभ्यास क्रमांक 2 नंबर 2। तो जिसमें इससे पहले वाले वीडियो मैंने अलंकार का आपको बताया था ताल में कैसे बजाना है, तो ये भी उसी का एक दूसरा रूप है। ये भी हमारी 3 ताल में ही बजेगा। तो दूसरा अलंकार है सा सा रे रे गा गा मामा पापा धाधा नीनी सा सा नीनी धाधा पापा मामा गागा रे रे सा सा। आप सभी लोग इसे अच्छी तरह बखूबी हैं, जानते हैं इस अलंकार को। तो अब इसको बजाने का तरीका मैं आपको पहले काले से बता रहा हूँ, फीमेल 4th ब्लैक से बजा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, इसमें भी वही तरीका है, लय ज़रूरी है इसमें, लय बनाना। लय अगर आपकी सही है तभी वो अलंकार सार्थक है आपका बजाना, तब सही है, नहीं तो आपका अलंकार बजाना व्यर्थ है। अगर लय उसमें सही नहीं है, लयकारी अगर सही नहीं हो रही है, ताल से जा रहा है, तो वो चीज़ आपको कभी भी परफेक्टली नहीं आएगी, हारमोनियम वादन परफेक्टली नहीं आएगा। तेज़ हारमोनियम तभी बजेगा जब आपकी लय निपुण होगी, उसमें सफाई आएगी, द्रुत गति में बजाने की आपको सफाई होगी आपके हाथों में, आपका कोऑर्डिनेशन गाने के साथ अच्छा बनेगा, गायकी के साथ। तो इसके साथ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज़, ये अलंकार सा सा रे रे दो दो कड़ियों में है, सा सा रे रे गा गा मा मा। आप मेरी उंगली देख रहे होंगे, पहले हाथ, ये हाथ की पहली उंगली, तो सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा सा। तो मैंने एक उंगली की एक क्लैप में मैंने 2 स्वर बोले। तो ये इससे भी हम थोड़ा सा और नीचे ले करेंगे, हम एक एक स्वर को एक, वैसे तो ये अलंकार एक कड़ी इसकी सा सा ही है, फिर रे रे है, गागा है, पर इसको हम क्या करेंगे कि और इसको ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम एक एक स्वर को एक एक ताली में बोलेंगे कि सा सा रे रे गा गा, इस तरह से। तभी मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, गा कर नहीं। तो देखिए कैसे, तो हम इसकी लय कैसे बनाएंगे, तब जो डबल होगी तो फिर वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए, सा सा रे रे गा गा एक एक स्वरों को आराम से बोला है कि सा सा रे रे, आप देख ही रहे होंगे। तो दुगुन जब करेंगे तो कैसे होगा, देखिए सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी तो हमें दुगुन 2 बार रिपीट करके आना होता है उसी साइकिल में। अब जब चौगुन करेंगे तो इसकी चौगुन हमें गाने में आसान भी होगी और हमारे गाने में सफाई आएगी। जितना हम विलंबित अच्छा गाएंगे उतना ही हमारा द्रुत साफ होगा। अगर हम पहले से जो लय अपनी कायम करेंगे, जो आधार बनाएंगे, अगर वही अगर हम मध्य लय में बना लें या द्रुत लय में बना लें या जो भी लय थोड़ी तेज़ बना लें अगर हम देसी भाषा में कहें, तो फिर हमें आगे द्रुत गति में दिक्कत होगी, तो उससे हमारा हाथ लड़ेगा, फिर हमें दिक्कत होगी बजाने में और सफाई नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए हमने लय क्या बनाई, सा सा रे रे, ये लय बनाई थी, तो फिर डबल क्या हुआ, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ये हमारी डबल हुई, तो 4 टाइम सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा रे रे गा गा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा रे नी नी
इस अलंकार की खासियत यह है कि इसमें आपको ये अलंकार पूरा बजाना है। बजाने से तात्पर्य कि जब हम द्रुत करें तो हमें ये ऐसा ना हो कि सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। हम बजा तो एक बार रहे हैं, बोल स्वर दो बार रहे हैं। अमूमन लोग ये भी करते हैं उसको सहूलियत देने के लिए, पर नहीं, अलंकार का कार्य है कि आपको बजाना है, नहीं सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा 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 नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा 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 नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। कहने को अलंकार बहुत बेसिक है, पर इसमें बेसिक चीज़ों में ही हमें एडवांस लेवल की चीज़ें मिलती हैं, हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये इसकी लयकारियां हैं, और वैसे बहुत से लोग इसकी लयकारी सा सा को हम एक कड़ी भी मानते हैं कि जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तो यहां से दुगुन क्या होगी, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा इस तरह से चौगुन जाएगी। चौगुन ज्यादा हार्ड हो जाएगा करने को, आप ये भी कर सकते हैं, पर पहले आपका कायदा यही कहता है कि आप इसकी लय को अच्छी तरह कायम करें। कायम से तात्पर्य उसकी लय का आधार अच्छा बनाए। किस तरह, जैसे मैंने बताया, अब देखिए हम जो, मैं आपको हाथ से बताता हूँ कि सा सा है ना, तो सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इससे क्या होगा कि आपका एक एक स्वर एक तालीम रहेगा, तो दुगुन करने में आसानी रहेगी। फिर दुगुन जब कैसे करें, देखिए सा सा रे, अब एक क्लैप में दो स्वर हो गए, यानी सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा सा। तो ये देखिए चला, ये चल रही है लय। अब हमें ये कभी कभी हमें स्वतंत्र भी करना चाहिए ताकि हमें लय का आभास हो। लय का आभास बहुत ज़रूरी है संगीत में, लय ताल बहुत ज़रूरी है ना। पर हमेशा आप लय जब करें तो इसका आधार बनाकर करें। मीन्स सा सा रे रे, क्या हुआ सा सा रे रे गा गा मा मा, दुगुन सा सा रे रे गा गा मा मा सा सा रे रे गा गा मा मा सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा सा। इस तरह से डायरेक्ट भी कभी चौगुन ना करें तो गलती होने की गुंजाइश है। उसके साथ साथ आप इसको साफ और बजाने की कोशिश करें। जब चौगुन आए तो सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। थोड़ा सा हारमोनियम का मेरा सस्टेन कम है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। जब आप लय अपनी बना लें, स्थापित कर लें, फिर आप जब लय में आ जाएं तो फिर उसका अभ्यास करते करते फिर उसको धीरे धीरे वो अपने आप ही तेज और होने लगता है। ठीक है, तो इसी विचार के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। आप करें, और आई होप यू विल लाइक इट। सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड कीप वॉचिंग संगीत हिंदी। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू।